हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हमने अपने किचन के लिए फाइनली फ्रिज खरीद ली है, जो है वर्लपूल कंपनी की। 265 लीटर की ये फ्रिज है। एंड इस फ्रिज को मेरा लेने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि इसका जो फ्रंट डोर है वो है मिरर ग्लास का, जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद था और अदर ब्रांड्स में ये था भी नहीं, इसलिए हमने इस कंपनी की बाय किया। इस कॉर्नर पर ये वुडन शेल्फ लगी हुई थी जिसको हमने शिफ्ट करवा लिया दूसरे साइड। किचन के वॉश बेसिन के पास हमने लगवा लिया है ये सोप डिस्पेंसर। फ्रिज के ऊपर साइड जो स्पेस बची हुई थी यहाँ पे हमने लगवा लिया है ये रैक। सो जितना भी किचन में ड्रिलिंग का काम था उसे हमने करा लिया। इसके साथ साथ पूरे किचन की डीप क्लीनिंग भी कर ली है। वीडियो हमने आप लोगों से पहले ही शेयर किया हुआ है, वीडियो का लिंक हमने आई बटन पे दिया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अब किचन का मेकओवर। सबसे पहले तो हम यहाँ फ्रिज के स्टिकर को रिमूव कर रहे हैं और हमने पूरे स्टिकर को रिमूव कर दिया है। अब आप फ्रंट से देखें इसका ग्लास जो कुछ इस तरीके का है। सो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये फ्रिज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है हमारे किचन का सिंक एरिया और यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं स्टिकर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन लगा हुआ है बहुत सारे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, तो इसको हाइड करने के लिए हम यहाँ पे PVC वाटरप्रूफ स्टिकर लगा देंगे। इसके लगाने से एक तो वो एरिया अच्छा भी लगने लगेगा और सेफ भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है वॉलपेपर को स्टिक करना। सो इसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है, जहाँ पर भी हमें स्टिक करना होता है उस एरिया को हम मेजर कर लेते हैं, देन टू पार्ट्स में कट कर लेते हैं। ऐसा करने से इजीली लग जाता है और वेस्ट भी नहीं होता है। अब जिस जगह पे हमें लगाना है उस एरिया को अच्छी तरह से हम वाइप कर लेंगे, देन हम लगाना शुरू करेंगे। देखिए, टाइल्स तो हम बार बार चेंज करवा नहीं सकते हैं, लेकिन स्टिकर लगाने का प्लस पॉइंट ये है कि इसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से हम कर्टेंस को बदल के लगाते रहते हैं उसी तरह से हम स्टिकर्स को भी बदल बदल के लगा सकते हैं। अब क्या है कि एक ही डिज़ाइन और कलर दिखते दिखते थोड़ा सा हमें बोरियस ही हो जाती है, तो इसलिए हम थोड़ा चेंज करते रहते हैं। ऐसा करने से वो एरिया नया सा हो जाता है और हमें भी खुशी मिलती है। अब हम लगाने जा रहे हैं गैस चूल्हे के ऊपर साइड स्टिकर। एक्चुअली कुकिंग करते टाइम ये एरिया बहुत ही ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डेली वॉश करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टिक कर रहे हैं। ऐसा करने से हम इसे इजिली वाइप कर सकते हैं और फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं। चलिए भाई, ये सारी बातें तो सही है, लेकिन इस वॉलपेपर को लगाने से ना हमारी किचन की शान ही बढ़ गई। किचन के जितने भी फैब्रिक आइटम्स थे उन्हें हम पहले ही वॉश करके रख चुके थे, सो अब हम एक एक करके डाल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया है कर्टन्स, इसी के साथ साथ हम डालने जा रहे हैं फ्रिज के ऊपर कवर, माइक्रोवेव ओवन के ऊपर कवर, साथ ही साथ हम ये किचन टॉल्स को भी हम हैंग करने जा रहे हैं। ये हमारा DIY किचन टॉल है, इसको हमने हैंग कर दिया सिंक के रियर साइड। अब हम यहाँ पे स्टिक करने जा रहे हैं ये सिंक ऑर्गेनाइजर। अब हम गैस चूल्हे के राइट एंड लेफ्ट साइड लगाने जा रहे हैं ये आयरन शेल्फ, जो कि सेल्फ एडेसिव है, जिसे आप विदाउट होल किए बहुत ईजिली लगा सकते हैं। सो इस तरह से हमने दोनों शेल्फ को लगा दिया है। रॉड पे ये ग्लास स्टैंड लगा हुआ है जिसे हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे साइड। अब इस रॉड पे हैंग करने जा रहे हैं ये एस हुक, जिसे हमने ऑनलाइन बाय किया था। सो जितने भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हैं किचन में उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारे घर में छोटा बेबी है तो उसके सेफ्टी के लिए हम लगाने जा रहे हैं ये कॉर्नर गार्ड। एक तो ये फ्रिज के पास कॉर्नर है जो बहुत ही डेंजरस है, इसको हमने इस तरह से कवर कर दिया है और एक एंट्री करते ही यहाँ पर है। किचन के कैबिनेट साइड आप देख सकते हैं जो स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं पाइप लाइट, जिसको हम सेलो टेप की हेल्प से लगा रहे हैं सिंपल। इसके ऊपर साइड देखिए, हमने इस तरह से टेप को लगा लिया है और अब इसे अंदर साइड सेट करते हुए स्टिक कर देंगे। सो इसी तरह से पूरे में हम लगाते जाएंगे। ये है डिटॉल हैंड वॉश लिक्विड की बॉटल्स, जिसका हमने रैपर हटा दिया है। अब हम इस पर परमानेंट मार्कर से लिख रहे हैं डिश वॉशर लिक्विड एंड दूसरे में लिख दिया हमने हैंड वॉश लिक्विड। इसको रिफिल करने के बाद अब हम सिंक ऑर्गेनाइजर पे यहाँ पे रख रहे हैं लाइव प्लांट, इसी के साथ साथ ये दोनों बॉटल्स को और ये बॉटल ब्रश, इसके साथ साथ किचन वाइप। दूसरे ऑप्शन के लिए हमने बोल में सोप रखा है, इसके साथ साथ स्टील का जूना, इसे हमने रख दिया कॉर्नर साइड। वेट गार्बेज के लिए ये छोटी डस्टबिन है जिसे हम रखते हैं ऊपर साइड। बची ये साइड वाली स्पेस तो यहाँ पे हम रख रहे हैं ये बैम्बू, जिसमें हमने क्रीपर्स को लगा के रखा है। सिंक एरिया के पास जितने भी स्टेनर्स हैं तो उसे हम यहाँ पे हैंग करके रखते हैं। अब हम इस वाली शेल्फ पे रखने जा रहे हैं ये कॉपर का वाटर डिस्पेंसर।
ये 2 ग्लास की बॉटल्स हैं जिसको हमने स्पेशली डिटॉक्स वाटर के लिए रखा है। तो एक में हम सोक कर रहे हैं मेथी दाना एंड दूसरे में सोक के लिए रख दिया है सौंफ। अब हम इसे रख रहे हैं वाटर डिस्पेंसर के साइड में। अब नीचे वाली स्पेस जो बची, यहाँ पे जितने भी वाटर बॉटल्स है उसे हमने रख दिया है। इस वुडन ऑर्गेनाइजर में हमने ये कॉफ़ी के 2 ग्लास मग रख दिए हैं, इसके साइड में ये चाय के कप्स। अब हम यहाँ पे रख देंगे होल्सा बेलन का ऑर्गेनाइज़र, इसके साइड में ये मिक्सर जार, इसके ऊपर वाली शेल्फ में रख देंगे सारे स्नैक्स। और ये जो जार देख रहे हैं टूट गया था तो इसको हमने मैच बॉक्स रखने के लिए यूज़ कर लिया। ये क्यूट सी टोकरी है जिसको हमने हुनर हाट से ख़रीदा था और इसमें हम रख रहे हैं ये सारी कैंडी। यहाँ पे हुक लगा हुआ है, इसे हम यहाँ पे हैंग कर देते हैं बच्चों के लिए। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं इसे हमने स्पंज में ग्रो किया है, इसका हमने शॉर्ट वीडियो डाला है। चिया सीड से हमने इसको ग्रो किया है और इसे हम रखने जा रहे हैं फ्रिज के साइड वाली शेल्फ पे। इस वाली शेल्फ को हम डेकोरेट कर रहे हैं कुछ सिरेमिक आइटम्स और लाइव प्लांट से। एक क्यूट सा फ्लावर पॉट है जिसको हमने रख दिया है फ्रिज के ऊपर साइड। माइक्रोवेव के ऊपर साइड हमने रख दिया है एग। इसके नीचे वाले स्पेस में रख रहे हैं ये पर्थन का बॉक्स। इसके ऊपर साइड रोटी की बास्केट एंड साइड में रख रहे हैं ये कूटनी। इस वाले रैक पे रख रहे हैं 2 ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स। मिडिल में रख दिया ये लाइव प्लांट। दूसरे वाले रैक पे रख रहे हैं ये रेडियो स्टेशन, इसके साइड में अगेन लाइव प्लांट। ये आयरन की किचन कॉर्नर शेल्फ है, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं इस साइड पे। अब हम एक एक करके सारे जार एंड बॉक्स को रखते जाएंगे जो भी ज़रूरत के हैं। इसके साइड पे हम रख रहे हैं ये पिकल एंड सॉल्ट का जार। कॉर्नर शेल्फ के फ्रंट के पास हमने रखा है वुडन ट्रे। अब हम इसमें रखने जा रहे हैं ऑयल डिस्पेंसर, इसी के साथ साथ ये छोटे बड़े सारे स्पून्स और ये क्यूट सा घी का जार। ये सारे कॉफ़ी के पाउच हमने रख दिया है इस वाले जार में और दूसरे जार में हमने रख दिया ये एरोमा कैंडल। इस ट्रे में रख दिया दोनों जार को और शिफ्ट कर दिया वुडन ट्रे के पास में। ये DIY किचन डेकोर पीस है जिसको हमने रख दिया यहाँ पे। ये हमने लिया है प्लाईवुड और ये वॉलपेपर स्टिकर जिसको हमने सिंक एरिया में लगाया था। सो इसके साइज़ का हम यहाँ पे कट कर रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए। अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। ये हमने लिया है हैंडबैग की स्ट्रिप जिसको हमने 2 पार्ट्स में 4 इंच के साइज़ में कट कर लिया है और अब हम इसको लगाएंगे नीचे साइड, जिसको हमने ये थंब पिन के हेल्प से दोनों साइड लगा दिया है। और ये देखिए खूबसूरत सी ट्रे बन के रेडी है। अब हमने इस ट्रे को शिफ्ट कर दिया है DIY बॉटल के साइड में। ग्लास जार में हमने डाला है एक में चिप्स, दूसरे में स्वीट्स और तीसरे में बिस्किट्स। ये तीनों जार को हमने रख दिया इस ट्रे पे। इस वाले हुक में हैंग कर रहे हैं सर्विंग स्पूंस। ये हमारा पुराना होम डेकोर ठेला है जिसके एजेस को हम यहाँ येलो एक्रेलिक से पेंट कर रहे हैं। ये हमारा सिरेमिक का मिनिएचर टी सेट है, सो इसको हम पेंट कर रहे हैं यहाँ पे रेड कलर से। पेंट ड्राई होने के बाद इसके डिज़ाइन को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर दिया। अब हम इस ठेले को रख रहे हैं किचन के दूसरे कॉर्नर पे और इस पे हमने रख दिया है ये इलेक्ट्रिक एरोमा डिफ्यूज़र। अब हम इस क्यूट कैटल में डालने जा रहे हैं पानी और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये एसेंशियल ऑयल। अब हम इसको रखने जा रहे हैं डिफ्यूज़र के ऊपर साइड। ऐसा हमने इसलिए किया, एक तो ये खूबसूरत भी लग रहा है एंड दूसरा ये काफ़ी देर तक जलेगा भी। बच्चे जितने भी सॉसर एंड कप उसको हम डेकोरेट कर रहे हैं इस ठेले पे। एंड बच्ची ये वाली स्पेस, सो यहाँ पे हमने रख दिया सॉल्ट पेपर जार। ये टिश्यू होल्डर है, इसमें हमने रख दिया टिश्यू पेपर और रख दिया ठेले के साइड पे। ये मेरे छुटकू बेटे का सिपर बॉटल है जो अब काम का नहीं है, सो मैंने सोचा चलो भाई इसका कुछ DIY करते हैं। बॉटल को हमने सिल्वर कलर से पेंट कर दिया और रख दिया ड्राई होने के लिए। मनी प्लांट्स के यहाँ पे हम कुछ स्टेम कट कर रहे हैं जिसमें रूट्स लगे हुए हैं। ऐसा करने से मनी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है एंड दूसरा ये जो कटिंग्स है इसको हम लगा देते हैं पानी में और जब पानी में अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है तब हम उसे असेंबल कर देते हैं दूसरे पॉट में। तो देखिए यहाँ पे बॉटल अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब हम इसके एजेस को ब्लैक टेप से कवर कर रहे हैं और कवर करने के बाद हमने इसमें डाल दिया है पानी। अब हम इसमें जो भी स्टेम्स कट किए थे मनी प्लांट्स के उसको हमने लगा दिया और देखिए ये क्यूट सा प्लांटर बनके रेडी है। ये हमारी पुरानी मेलामाइन की ट्रे है जिसको हम स्पून रेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, इसको हमने रख दिया गैस चूल्हे के साइड में। चलिए ये हमारी किचन की कॉर्नर वाली स्पेस है और यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं ये स्टोन की टेबल जिसके ऊपर हमने रख दिया ये प्लास्टिक की प्लेट और इस पर हम रखने जा रहे हैं ये लाइव प्लांट।
अब जितने भी DIY किचन कोट्स हैं उसे हम एक एक करके हैंग करने जा रहे हैं। जैसे कि ये स्टोन आर्ट है, इसके बदले में हमने ये वाला फ्रेम DIY किया। एक ये स्टोन आर्ट है जिसको हम नया ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमने लिखा है और बताओ चाय पियोगे क्या। इसके पीछे साइड हमने डबल साइडेड टेप लगा दिया है और इसको स्टिक कर दिया है मिनिएचर टी सेट के ऊपर साइड। इस DIY को चेंज करके हमने ये वाला DIY किया है जिसमें लिखा है देखो मगर प्यार से वी मेक इट विथ लव। इसको हमने चेंज करके लिखा है बिरयानी बिना चैन कहा रहे, स्पेशली अपने बेटे के लिए। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं किचन मैट्स और चलिए अब दिखाते हैं आप सभी को अपने किचन का फाइनल रिवील। देखिए दोस्तों, हमें अपने किचन से ना बेइंतहा प्यार है। ठीक उसी तरह जब किसी इंसान से किसी को लगाव हो जाता है तो उसके बिना रह नहीं पाता है, उसी तरह से हमारे लिए हमारा किचन है। सो आज जो हमने किचन का मेकओवर किया ये कोई दिखाने के लिए नहीं किया है, ऐसा हम अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा डेकोर करके रखते हैं। देखिए बहुत से लोगों को सिंपल चीज़ें पसंद आती हैं, बहुत से लोगों को डेकोर करके चीज़ें पसंद आती है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से काउंटर पे चीज़ें रखी हैं, थोड़ा सा कुछ उसको क्रिएटिव करके रखा है, कोशिश किया है बहुत हद तक कि आप लोगों को कुछ नया करके दिखाएं। हम टाइम टू टाइम अपने किचन को कुछ नए तरीके से डेकोर करके रखते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों से हमने पहले की वीडियो में शेयर किया हुआ है जिसमें बहुत सारे हमने DIY किए थे और बहुत लोगों को वो वीडियो पसंद भी आया, बहुत लोगों को नहीं पसंद आया। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, किसी को खाली खाली पसंद होता है, किसी को भरा भरा पसंद होता है। सो इस बार हमने इस वाले एरिया को बनाया है वाटर स्टेशन, जहाँ पे एक्वागार्ड लगा हुआ है उसी के नियर हमने ग्लास रखा है, डिटॉक्स वाटर, कॉपर डिस्पेंसर, वाटर बॉटल। देखिए मुसीलो किचन में चाय स्टेशन तो होता ही है, लेकिन स्पेशली वाटर स्टेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने बॉडी को अगर बीमारी से दूर रखना है तो पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना ज़रूरी है। जब पानी सामने रहेगा उसको डेकोर करके रखेंगे तो मन क्यों नहीं करेगा पीने का, बिल्कुल करेगा। तो इस तरह से आप एक एरिया वाटर स्टेशन बना के रखें जिसे देखते ही बस पीने का मन करे। तो इस तरह से देखिए हमने बहुत हद तक कोशिश की है अपने किचन को अच्छे से अच्छा डेकोर करने की, और उम्मीद करते हैं आप सभी को भी हमारा आज का किचन मेकओवर पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो पता ही है आप सभी को क्या करना है, मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि होम्स रिलेटेड आप सभी लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। और आज की वीडियो में आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, बाय।